फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं रेवड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज हम लच्छेदार रेवड़ी बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, या कोई भी फर्स्ट टेबल हो तो इसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी रेवड़ी की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस पे एक कढ़ाही लेंगे और कढ़ाही को हम पानी से गीला कर लेंगे। इससे क्या होता है, फेंदी में दूध लगता नहीं है। अब हम गैस को ऑन करेंगे और इसमें हम फुल क्रीम दूध डालेंगे। तो यहाँ पे हम 1 लीटर दूध ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम आधा आधा लीटर का 2 थैली दूध डाल रहे हैं। आपके पास ताजी भैंस की, उससे और भी बढ़िया रेवड़ी तैयार होता है। अब हम क्या करेंगे, दूध में अच्छे से उबाल आने देंगे। ध्यान से देखिए, दूध में उबाल आ चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को कम कर लेंगे। अभी तक हम तेज फ्लेम पे इसको उबाल आने के लिए रखा था। अब हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और ये जो मलाई की परत आई है इसे हम ऐसे साइड कर देंगे। तो हम मलाई को साइड करके, और बीच में आप देख सकते हैं दूध में उबाल आ रहा है। मलाई की परत जमती जाएगी और हम उसे साइड में ऐसे करते जाएंगे और बीच में हम ऐसे चलाते रहेंगे जिससे पेंदी में लगे नहीं दूध। तो ऐसे हम चला के और फिर इसको स्लो गैस पे मलाई बनने के लिए छोड़ देंगे। अब इस मलाई को हम ऐसे साइड में करते जाएंगे। फिर हम नीचे से भी दूध को चलाते रहेंगे, नहीं तो पेंदी में दूध लग जाता है। अब हमें हाई फ्लेम तो करना ही नहीं है, मीडियम स्लो कर करके इस पे मलाई की परतें तैयार करनी है। फिर से मलाई की एक परत आ चुकी है। अब हम इसे बीच से ऐसे साइड करते जाएंगे। तो ऐसे हम किनारे किनारे इसे टिंगाते जाएंगे। तो अब ध्यान से देखिए, मलाई की परत आ चुकी है। अब हम इसे बीच से किनारे किनारे कर देंगे। तो ऐसे हम बीच बीच से इसे किनारे करते जाएंगे। धीरे धीरे चलाना है जिससे कि किनारे वाली मलाई अपनी बीच में ना आए। तो ध्यान से देखिए, मलाई की परत आ चुकी है। फिर हम बीच में स्पैचुला डालेंगे और किनारे किनारे इस मलाई को ऐसे चिपका देंगे। तो ऐसे ही हम 10 से 12 बार करेंगे तो अपनी मलाई जो है किनारे किनारे तैयार होगी और ये अच्छी खासी लच्छेदार रेवड़ी तैयार होगी। तो अब ध्यान से देखिए, हमने दूध को गाढ़ा कर लिया है, यानी कि 1 लीटर दूध हमारा 250 तक आकर तैयार हुआ है। रेवड़ी गाढ़ी हो चुकी है, किनारे किनारे मलाई भी हमने काफी सारा इकट्ठा कर लिया है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे शक्कर। तो रेवड़ी में शक्कर बहुत कम पड़ता है, तो यहाँ पे हम 2 टेबल स्पून शक्कर डाल रहे हैं और साथ में हम डालेंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर और यहाँ पे हम कुछ मिक्स ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं। आप अपने मन पसंद का ड्राई फ्रूट्स डालिए और हम इसे 2 मिनट तक रेवड़ी में डाल के चलाते हुए पका लेंगे जिससे शक्कर घुल जाए और रेवड़ी में इलायची का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। तो अपनी रेवड़ी
फाइनली गाढ़ी हो चुकी। हमने सारे ड्राई फ्रूट्स, इलायची, शक्कर डाल के मिक्स कर लिए हैं। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। धीरे धीरे हमें सारे मलाई को बीच में कर लेना है। तो सारे मलाई को हमने बीच में इकट्ठा कर लिया है। अब ध्यान से देखिए कितनी बढ़िया लच्छेदार अपनी रेबड़ी तैयार हुई है। अब हम इसे सर्व करेंगे। हम एक कटोरी लेंगे और इसमें अब सर्व करेंगे। अब ध्यान से देखिए कितनी बढ़िया रेबड़ी तैयार हुई है। लच्छेदार रेवड़ी बनकर तैयार है। ये खाने में बड़ा ही टेस्टी होता है और बहुत आसानी से बन जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।